हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। मार्केट के गिरावट के साथ भी टाटा पावर ने बड़ी गिरावट दिखाई थी। हमने सपोर्ट के तौर पर उस वक्त डिस्कस किया था कि 370 के ब्रेकडाउन के बाद 364 और 360 तगड़ा सपोर्ट, 360 को ब्रेकडाउन कर गया तो 340 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और हम देख सकते हैं स्टॉक ने 364 के लेवल से बाउंस बैक दिखाया, एक जंप आया 390 तक का, वहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिजेक्शन लिया है, गिरावट आई है। लेकिन इस गिरावट के साथ हम देख सकते हैं इस लो को ब्रेकडाउन नहीं किया है स्टॉक ने, इसके ऊपर से यानी 373 के आसपास से सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक दिखाया और रिकवरी के साथ ही स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। टाटा पावर यहाँ से आने वाले दिनों में हमको रिकवरी दिखा सकता है, अपने इस हाई को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। जहाँ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है एक इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया ये 380 का लेवल, इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 374 और तगड़ा आप सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 364 का लेवल, जहाँ से गिरावट के साथ स्टॉक ने बाउंस बैक किया है। यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं जहाँ इससे पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है 384 का लेवल इमीडिएट टारगेट रहेगा, यहाँ तक का जंप आने वाले दिन में हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 390 का लेवल और 390 के ब्रेकआउट के बाद टाटा पावर हमको 400 तक के टारगेट दिखा सकता है। इस बाउंस बैक के साथ अगर स्टॉक 400 के लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे गया तो वैसी कंडीशन में फिर टाटा पावर में हमको और बड़ी तेज़ी यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।